तो हेलो गाइस, आज की न्यू वीडियो में आपका बिल्कुल स्वागत है। तो हमारे पास है ये तीन मोनोकाइड फाइटर के गट्टू। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये तीनों में से असली कौन सा है और ओरिजिनल का पता कैसे चलता है कि कौन सा ओरिजिनल है, और सभी का प्राइस भी बताऊंगा, सभी के मतलब ये भी बताऊंगा कि कितने ग्राम का ये गट्टू और कितने पे में मिलता है और बाजार में क्या प्राइस चल रहा है इसका। तो इस सभी गट्टू का इन मोनोकाइड के साथ भी बताऊंगा आपको। जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर शो हो रहा होगा, और वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी मतलब पार्ट मिस मत करना। अब तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे वाले मोनोकाइड फाइटर की, जो ये देखिए ओरिजिनल है। वैसे तीनों गट्टू मेरे ही हैं, एक मेरे भाई का है। तो अब ये बात करते हैं हम पहले ओरिजिनल वाले की, तो बाकी सबको साइड पर रखते हैं, ठीक है। तो इसकी बात शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मुझे पहले जल्दी से जल्दी यहाँ इंस्टाग्राम पर आपको यहाँ शो हो रहा होगा आईडी, उस पर जाके फॉलो कर लीजिए और मुझे वहाँ पर आप कोई भी सवाल पूछिए और मुझे सजेशन दीजिए, क्योंकि अब लोहड़ी तो निकल गई है, क्योंकि अब इस सभी वीडियो को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये लास्ट वीडियो है मान जाए रिव्यू। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मतलब मोनोकाइड फाइटर के बारे में बताओ, ओरिजिनल के कैसे पता चलेगा, मैं डुप्लीकेट ले आया, मैं उसे पतंग नहीं काट पा रहा, ऐसे ऐसे करके, और मोनोकाइड मांझा का भी नहीं मुझे पता चल रहा। तो ये बस उन सभी लोगों के लिए वीडियो है जो मतलब बसंत को भी उड़ाएंगे पतंग, तो इसलिए व्यू भी नहीं आ रहे, इसलिए मैं लास्ट वीडियो है। तो जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और मुझे वहां पर जाके सजेशन दो कि अब मैं कौन सी वीडियो बनाऊं। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में मतलब पिछली वीडियो नहीं, जो मैं ये लेकर आया था, मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी। अनबॉक्सिंग मतलब कि यहाँ एक स्टैंप लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था मोनोकाइड। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बाजार में डुप्लीकेसी कैसे आ रही है। कईयों पर जब ये पूरा गट्टू ना पैक होता है, जब ये पैक होता है तो यहाँ आपको मतलब इतनी सी स्पेस होती है जहाँ आपको डोर के रंग के बारे में पता चल जाता है कि ये लाल रंग है, ये कौन सा रंग है, ठीक है। तो जो रंग के बारे में पता चल जाता है, बट आपको स्टैंप नहीं दिखती। और कई दुकानदार वाले क्या करते हैं कि आपको खोलने नहीं देते, तो वो कहते हैं कि अगर आप खोलोगे तो आपको लेनी पड़ेगी। तो इससे मतलब बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि अगर आप खोल लेते तो आपको लेनी पड़ती है और उस पर स्टैंप नहीं होती, तो वो डुप्लीकेट निकल आती है। तो हमने भी इसे ऐसे देखा था कि मतलब थोड़ा सा यहाँ से फाड़ के मतलब उस भाई के दुकानदार के सामने नहीं देखा था, साइड में ले आकर थोड़ा सा देखा था कि यहाँ स्टैंप लगी है। तो हमने जब इस पे देखा स्टैंप लगी है तो ओरिजिनल है, हमने ले ली। तो अब आपको ओरिजिनल होने की निशानी बताता हूँ, क्योंकि जो मोनोकाइड फाइटर होती है ना दोस्तों, वो होती है पतली डोर। एक मिनट, इसकी डोर निकालता हूँ। तो ये देखिए, अब आपको ये दिख रहा होगा, देखिए कितनी पतली डोर है और इस पे कांच दोनों साइड पर लगा हुआ है, और बहुत ज़्यादा कांच लगा हुआ है जिससे कि इसकी धार तेज हो जाती है और कोई भी डोर को ना आसानी से मतलब चीर के रख देगी ये। बहुत इतनी और कांच वाली डोर है जिससे कि बहुत चीरे आ जाते हैं, छोटे बच्चों से तो इसे दूर ही रखना। और मतलब इससे आप जितना मर्जी बड़ा पतंग उड़ा लीजिए, मतलब ऐसे नहीं कि पतंग नहीं उड़ते बड़े पतंग, जितना मर्जी बड़ा पतंग उड़ा लीजिए, बट अपनी सेफ्टी भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप समझ लीजिए 20 वाला पतंग उड़ाते हैं, तो जब आपकी हवा मतलब पूरा तेज होगा, पूरा ऐसे हवा में टिका होगा, तो अगर आप खींच लगाएंगे या फिर ढील देंगे तो आपके मतलब हाथों पे चिरे रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस पड़ जाते हैं, क्योंकि मतलब बड़ा पतंग होता है और ऊपर से ये डोर हल्की डोर कांच वाली, तो चिरे आने के चांसेस पड़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये देखिए ये मोनोकाइड फाइटर, जो कईयों के पास ये मोनोकाइड फाइटर ऐसी है कि एक साइड से ब्लैक है और एक साइड से है वाइट। तो ये ऐसे मतलब डुप्लीकेट की निशानी होती है। मैं भी पिछली बार जो मेरी पहली वीडियो थी मोनोकाइड मांझा अनबॉक्सिंग की, मोनोकाइड फाइटर मांझा अनबॉक्सिंग की, तो उस पर भी यही था। और ये देखिए ऐसी था, इसकी भी डोर देखिए मतलब पतली है, बट इस पर एक साइड पर कांच लगा हुआ है। देखिए देखिए आपको थोड़ा सी चमक दिख रही होगी, देखिए जब मैं ऐसे मोड़ता हूँ तभी आपको दिख रही होगी, क्योंकि एक साइड पर कांच लगा हुआ है जिससे कि मतलब आप इससे भी बड़े पतंग चढ़ा सकते हैं, बट ये इतनी अच्छी नहीं है। मतलब जी मैं जैसे कि आप पांच वाला पतंग उड़ाएंगे तो आप तीन चार काटने के बाद आपका कट जाएगा, और जो मेरी ओरिजिनल वाली है वो एक के साथ 10-10 पतंग काट देती है। मैंने वीडियो भी दिखाई थी आपको, 5-6 पतंग तो काट दिए थे, 10 में ज़्यादा गया, 5-6 पतंग तो काट दिए थे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी, तो ये भी देखिए यही है मेरी वो पुरानी मोनोकाइड फाइटर मांझा की अनबॉक्सिंग, ये भी ऐसी डोर है। तो मतलब मैं आपको एक और बात बता दूं कि कलर का कोई फर्क नहीं होता, कलर आप कोई मर्जी ले लीजिए, क्योंकि कलर से ना कोई धार तेज होती है, ना कोई कलर से डोर मोटी होती है ना पतली होती है, कलर का कोई फर्क नहीं होता। बस डोर की मतलब डोर को पकड़ने से पता चल जाता है कि डोर ये असली है, कैसी है, पतली है, धार है, कांच लगाओ नहीं लगाओ,
तो उससे पता चल जाता है। तो एक और बात बताना चाहता हूँ, ये देखिए मोनोकाइट मांजा जो बाजार में डुप्लीकेसी चल रही है, देखिए कितना छोटा गट्टू है, और कई मतलब दुकानदार इसे ऐसे ओरिजिनल कह के बेच देते हैं, कईयों यही छोटे गट्टू पर यहाँ एक स्टैंप लगी होती है ओरिजिनल की, तो उसे तो मत लीजिए, क्योंकि जो ये छोटा गट्टू होता है ना वो नकली होता है। पिछले साल ऐसे कोई गट्टू नहीं आया था, जब पिछले साल वीडियो ऐसी डाली थी हमने कि छोटे गट्टू मतले मतले, तो शायद कंपनी वालों ने छोटे गट्टू मतलब बनाने बंद कर दिए और बड़े बनाने लगे, तो उससे भी डुप्लीकेसी आ रही है। बड़े गट्टू पर भी ऐसा लिखा होता है कि मोनोकाइट मांजा ओरिजिनल या मोनोकाइट मांजा, तो वैसे मुझे वो भी नकली लगता है, इससे मतलब कोई ओरिजिनल की निशानी पता नहीं चलती, क्योंकि जो मेरे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था उस पर अकेले यहाँ ओरिजिनल लिखा हुआ था और मोनोकाइट लिखा हुआ था, मांजा भी नहीं लिखा हुआ था, तो मुझे तो नहीं लगता था वो ओरिजिनल है। तो बस, और इसकी ये डोर देखिए, एक मिनट, इसकी आप डोर देखिए, देखिए प्योर प्लास्टिक ही है, एक साइड पर मतलब कांच है पर बहुत कम है, देखिए बहुत ज़्यादा बहुत मतलब बहुत कम है, जिससे कि मतलब आपका ही पतंग कटा कट जाएगा, इतनी धार वाली नहीं है ये डोर, देखिए प्लास्टिक की डोर है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि प्लास्टिक की डोर को आप ना लें। मोनोफिल गोल्ड भी प्लास्टिक की डोर है, बट पिछले साल वाली पिछले तो पिछले साल वाली वो दूसरी डोर आती थी जो स्ट्रेचेबल भी थी और पतली डोर थी, कांच भी लगा होता था, बट अब ये इस साल जो आई है मोनोफिल गोल्ड वो प्लास्टिक की आई है, और मतलब इतनी अच्छी भी है और अच्छी भी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है अगर किसी के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं, तो सभी डोर बेस्ट होती हैं यार, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई भी डोर बेस्ट नहीं है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता था कि बस मोनोकाइट फाइटर ओरिजिनल होने की यही निशानी होती है, मतलब जितना मर्जी बड़ा पतंग उड़ा लीजिए, मैं तो बस आपकी सेफ्टी लिए कह रहा था कि 10 10 वाला मैक्सिमम होता है मोनोकाइट फाइटर के साथ पतंग उड़ाना, क्योंकि इसके बाद आपके चीरे आने शुरू हो जाते हैं, और अगर आप ये 10 वाला पतंग भी छोटे बच्चों को देंगे ना तो उसके भी हाथ में चीरे आ जाएंगे, और जिससे कि आपको ही नुकसान होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और आगे देखने सब्सक्राइब करना, तो मिलते हैं बस अगली वीडियो में।